फ्रेंड्स, मैं अश्विनी कामत मेरे चैनल कामत्स वेज एंड नॉनवेज में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ साबूदाना वड़ा। ये आप उपवास के टाइम भी खा सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही भी खा सकते हैं। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए बताती हूँ। ये है 1 कप साबूदाना, इसे मैंने ओवरनाइट अच्छी तरह से भिगो के रखा था। ऐसे बनेगा, देखिए खिला खिला सा, ऐसे स्मैश करते समय ऐसे स्मैश होगा अच्छी तरह से, उतना आपको भिगोना है। ये अच्छी तरह से धो के 2-3 पानी निकाल के फिर भिगोना है आपको। हाफ पानी डालना है उसमें। फिर ये है बॉयल्ड आलू, एक बड़ा आलू लिया है मैंने। ये है शेंगा पीसेस, शेंगा थोड़ा सा फ्राई करके उसका छिलका निकाल के ऐसे दरदरा पीस लिया है मैंने, नहीं तो आप ऐसे ही क्रश कर सकते हैं। ये है जिंजर पीसेस थोड़े से कर, ये है ग्रीन चिली पीसेस थोड़े से, ये 2-3 ग्रीन चिलीज चॉप्ड लिया है मैंने, तीखा कम चाहिए तो कम डालिए। ये है कोरिएंडर लीव्स चॉप्ड, ये है जीरा 1 टीस्पून, ये है नारियल किसा हुआ, आप अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो अवॉइड कर सकते हैं। ये है चिल्ली पाउडर, ये है चिल्ली पाउडर 1 टीस्पून, ये है करी लीव्स थोड़े से चॉप्ड किए हुए। अब मिक्सिंग कैसे करते हैं बताती हूँ। अभी एक मिक्सिंग बोल लेना है, उसमें साबूदाना, शेंगा पीसेस, ग्रीन चिली पीसेस, जीरा से हाथ से क्रश करके डालना है आपको, फिर कोरिएंडर लीव्स चॉप्ड, जिंजर पीसेस, करी लीव्स चॉप्ड, ये नारियल किसा हुआ, रेड चिली पाउडर, और स्वादानुसार थोड़ा सा नमक डालना है इसमें। इतना डाल के ऐसे फर्स्ट मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह से, करने के बाद उसमें जो आपने आलू लिया था बॉयल्ड आलू, ऐसे इसमें स्मैश करके डालिए। ऐसे सब आलू स्मैश करके डाल लीजिए और अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए उसमें। फ्रेंड्स देखिए, अभी ऐसे मिक्स करके हो गया मेरा। अभी ऐसे बॉल करना है, बॉल करके ऐसे राउंड बॉल कर लीजिए हाथ से ऐसे अच्छी तरह से। फिर इसको थोड़ा सा प्रेस करना है हाथ से ऐसे, फिर ऐसे साइड ऐसे कर लीजिए। आपको कितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा बना सकते हैं। देखिए ऐसे करके ऐसे रख दिया है मैंने, देखिए ऐसे। फ्रेंड्स देखिए, मैंने अभी कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। अभी तेल गरम होते ही एक एक टिक्की ऐसे साबूदाना वड़ा जो हमने बना के रखा था वो एक एक करके ऐसे डाल लीजिए और थोड़ा सा क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लीजिए। फ्रेंड्स देखिए, डालने के बाद ऐसे तेल ऐसे ऐसे इसके ऊपर ऐसे 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 फैलाते जाइए ऐसे गरम गरम तेल। देखिए फ्रेंड्स, अभी फ्राई हो रहा है। पहले हाई फ्लेम में रखिए, फिर मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारा साबूदाना वड़ा रेडी हो गया है। देखिए क्रिस्पी क्रिस्पी, बाहर से अंदर से सॉफ्ट रहता है। इतना होने के बाद आपको निकाल लेना है सब। फ्रेंड्स देखिए, हमारा साबूदाना वड़ा रेडी हो गया है। ऐसे दिखेगा फ्राई होने के बाद, ऊपर से फुल क्रिस्पी है, अंदर से थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगे तो मेरे चैनल कामत्स वेज एंड नॉनवेज में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मोर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स। इफ यू लाइक आवर वीडियोस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट। थैंक यू।